ज़ाहिरीन, मैं आपका फरमान पे हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और मैं हूँ अभी अलीगढ़ के शाजा माल जगह पर। वहाँ पर है एक बहुत बहुत फेमस दरगाह, या मेन दो बड़े दरबार हैं, उसके बाद बहुत छोटे 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 कई सारे दरबार हैं। तो जहाँ सबसे पहले जाने की इजाज़त है, जहाँ सबसे पहले जाया जाता है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर हम जाएंगे बड़े दरबार पर। और जो जो यहाँ जो जो पॉसिबल बातें हैं यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ के जो गद्दी नशीन है, जो जिम्मेदारान है, उनसे भी मैं आपको मुखातिब करा सकूं। तो लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बने रहिए वीडियो में। तो ये है दरगाह के बाहर का कुछ व्यू, और ये आप जो देख सकते हैं सजावट, ये सजावट उर्स की वजह से है। यह पहला दरबार जहाँ हमें ज़ियारत करनी है, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये छोटे सरकार हैं, बट सबसे पहले ज़ियारत यही करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं छोटे सरकार। हाँ, तो हज़रत का जो नाम है मुबारक है वो है हज़रत अलीमुद्दीन बाबू शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ जो जो भी ज़ायरीन जो ज़ियारत करने आते हैं, सबसे पहले उनको इस जगह पे ज़ियारत करनी होती है। 761 बाई उर्स हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 761 साल पहले आप वफात पा गए थे, और 761 साल से लोग अकीदतमंद जुड़े हुए हैं। तो आपने कितने लोगों की मुरादें पूरी की होंगी अभी तक, और कितने लोगों को फैसियाब किया होगा। अभी हम चलते हैं दूसरे दरबार पे। तो ये भाई हैं यहाँ पे ज़ाहिरीन है, आगे मोहम्मद नासिर हैं, और ये यहीं रहते हो आप, यहीं रहते हो, तो यहाँ के बारे में तो काफ़ी मालूमात रखते हैं। मैं इनके पीछे हो लिया, चलिए आप आगे आगे, मैं आपके पीछे हूँ। अस्सलामु अलैकुम बाबू। ये हफीज साहब का दरबार है, ठीक है जी। ये दरगाह है, ऐसे छोटे छोटे कई सारे दर यहाँ बने हुए हैं, और ये दरगाह हफीज साहब की दरगाह है। ये कुछ दर हैं, और एक दरबार ये है, ये है थर्ड दरबार। हजरत सैयद मोहम्मद इस्लामुद्दीन चिश्ती साबरी। अच्छा, पंजे वाले बाबा के नाम से है। एक हफ्ते पैर बनता, हाथ का पंजा बनता, एक हफ्ते बनता था पैर का पंजा। अच्छा, औरत ने देख लिया, मतलब पर्दा फाड़ के, तो पंजे पंजे पे रह गए। एक हफ्ते पंजे पैर का पंजा रहता, एक हफ्ते हाथ का पंजा रहता। पंजे वाले नाम से मशहूर। ये है हजरत पंजे वाले बाबा। तो एक मैं कह सकता हूँ ये ग्रुप ऑफ दरगाह है। ये बेसिकली ये अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा इलाका ही ये कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है पूरा ये। और कुछ ग्रेवयार्ड, पूरे ग्रेवयार्ड में जो कुछ नेक लोग हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनके दरबार भी मौजूद हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लोगों में जो अच्छे लोग होते हैं वो कैसे हाईलाइटेड रहते हैं। ये नॉर्मल हैं, ये अच्छे हैं। ये है मेन दरबार। ये जो दरबार है, ये मेन दरबार है हजरत सुल्तान शाह जमालुद्दीन साहब की। और ये साथ ही कुछ छोटे छोटे दरबार हैं, कुछ छोटे छोटे दर मौजूद हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप समझिए, ये है मेन सरकार, ये साहब के वाली साहब का दरबार है, ये बड़े भाई साहब का दरबार है जी, छोटे भाई, ये छोटे भाई साहब का दरबार है, और ये इनके दो साहबजादों का दरबार है। ये मेन चिराग है सरकार का। माशाल्लाह, बहुत सुकून, बहुत सुकून वाली जगह है। और ये है सरकार, और ये वाहिद मदार, वाहिद दरगाह है देख रहा हूँ, जो बिना गुंबद के मौजूद है। ये कुछ और दरबार है यहाँ पे, ये मुंशी जी का दर है।
30 साल आपने खिदमत की है। सबसे बात आता है ठीक है, आता सब पंच और गुसल देते सरकार गुसल देते थे और दूसरी गुरुताज सब पते थे। तो सरकार की खिदमत का ये सिला मिला है। छोटी जगह कह रहे थे मैं अपनी बार रखूँगा, बड़ा कह रहे मैं अपनी बार रखूँ, इन्होंने फिर इन्होंने इनके आस्ते नहीं मना। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कोई यहाँ पे रात को अदालत वगैरह भी कुछ बहुत होती है, बहुत भीड़ काफ़ी होती है, रात को इतनी भीड़ थी बेदाब निकलने तो चलो तो बहुत भीड़ काफ़ी। ये कुछ और दरबार भी हैं, तो ये है डॉक्टर साहब का दरबार और ये है कंपाउंडर साहब। तो दायरीन कुछ कुछ दरगाह का पार्ट ऐसा भी है जहाँ दूसरे मरीजों का इलाज चल रहा है और वो पार्ट जो है दिखाना मुनासिब नहीं है, तो मैं इसलिए वो पार्ट स्किप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये दरगाह दिल्ली वालों के नाम से फेमस है और दिल्ली वालों के नाम से जाने जाती है। ये दरबार है साहब का, ये साहब नन्ने मियाँ साहब का दरबार है। ये हैं साहब नन्ने मियाँ और ये हबीब पेंटर उनके उस्ताद हैं। ये पेड़ उन्होंने लगाया था 15 जून 1971 में। और मैं भी आपको हबीब पेंटर जो कव्वाल है उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ क्योंकि वो तस्वीर मौजूद है। ये उनके द्वारा जो पेड़ लगाया गया था और ये साहब के दरबार साहब का दर है। ये है हबीब पेंटर साहब, जम्मू प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गुलाम बख्शी ने। सो ये है दरगाह के कुछ जिम्मेदारान, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वन बाय वन अपना तारुफ एक बार दे दें और दरगाह में किस मसनत पे ये लोग संजामे। साहब आप बता दीजिए थोड़ा सा। मैं हजरत सैयद शाह जमाल दीन सुल्तान शमसुल आरफीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार का साहिब सज्जादा और गद्दी नशीन हूँ जी, और ये इंतजामिया कमेटी के सारे मेम्बरान हैं। यहाँ बहुत बड़ा दरबार है ये और बहुत सारी इसमें एरिया में जगह है, तो इतने लंबे एरिया को कवर करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है जी जी। तो ये तमाम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, अभी हमारे सरकार का उर्स हुआ है, अब इसमें इतना लंबा चौड़ा काम होता है कि ये सब लोग इन्होंने रात और दिन कई कई रातें जाग कर इस उर्स को कामयाब बनाया अल्लाह के शुक्र से। तो ये है पूरी टीम जो अभी पिछले 3 दिन सैटरडे से उठ चल रहा है यहाँ पे जी, और इतना बड़ा मैंने आपको एरिया दिखाया, 10 से ज्यादा यहाँ दरबारी हैं और उसके अलावा भी एरिया काफी बड़ा है। तो ये है वो रिस्पॉन्सिबल फेसेस, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो जिन्होंने यहाँ पे सारे उर्स के कामों को अंजाम दिया है। तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आप सबको कि आपने मुझे कोऑपरेट किया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।